कि एक अभिनेत्री कंगना रनौत जिन्हें अपनी कमज़ोर बौद्धिक मानसिकता जारी तकलीफ इस गल की है कि वह उन्हां सिखां दे खिलाफ बोली है जिन्हां सिखां ने देश की आज़ादी वास्ते बड़ियां कुर्बानियां की जिहड़ी वह गल कह रही है कि 84 दे विच जो उस वेले दी प्रधानमंत्री ने नंगा नाच करा के सिखां नूं मरवाया सी नसलकुशी करन की कोशिश की लेकिन बड़ा दुख है कि उहदी प्रेज करदिआं होइआं उन्हां बहादुर सिखां दे खिलाफ बोली है जिन्हां बहादुरां ने कभी किसी की ईन नहीं मनी जां ते उह दिमाग तो खाली है जां किसी हंकार विच है कि शायद मेरी जिहड़ी है बड़ी चर्चा होएगी कि मैं ये गल करांगी तो मेरी लोगों के बल्ले बल्ले होएगी वाहवा होएगी। मैं समझती कि इन्हों तुरंत गिरफ़्तार करना चाहिए। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। बड़ा दुख है कि एक अभिनेत्री कंगना रनौत जिन्हें अपनी कमज़ोर बौद्धिक मानसिकता जाहिर किया तकलीफ इस गल की है कि वह उन्हां सिखां दे खिलाफ बोली है जिन्हां सिखां ने देश की आज़ादी वास्ते बड़ियां कुर्बानियां कीतियां जिन्हां ने कभी किसी की ईन नहीं मनी। इत्थे अहमद शाह अब्दाली वर्गे बाबर वर्गे औरंगजेब वर्गे जहांगीर वर्गे सिखां नूं मारन ते तुल गए लेकिन सिखां ने कभी ईन नहीं मनी और वह सिख जिन्हां ने बार्डर ते अज भी छाती ताण के अपनियां जाना वार के इस देश नूं बचाया जिहड़ी वह गल कह रही है कि 84 दे विच जो उस वेले दी प्रधानमंत्री ने नंगा नाच करा के सिखां नूं मरवाया सी नसलकुशी करन की कोशिश की लेकिन बड़ा दुख है कि उहदी प्रेज करदिआं होइआं उन्हां बहादुर सिखां दे खिलाफ बोली है जिन्हां बहादुरां ने कभी किसी की ईन नहीं मनी। मैं समझती हाँ कि जां ते उह दिमाग तो खाली है जां किसी हंकार विच है कि शायद मेरी जड़ी है बड़ी चर्चा होएगी कि मैं ये गल करांगी तो मेरी लोगों के बल्ले बल्ले होएगी वाहवा होएगी। ये उस गल नूं भुल जाना चाहिए कि इन्हां सिखां ने कभी किसी नूं माफ़ नहीं किया। कोई भी जे किसी की अणख ते गैरत नूं वंगारेगा तो सिख कभी बर्दाश्त नहीं करनगे। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी हमेशा इहो जिहा करतूतां करन वालियां दा बहुत वड्डा जिहड़ा वो नोटिस लैंदी है। अज भी दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जिहड़ा नोटिस लिया कि उन्होंने परचा दर्ज कराउणगे। मैं समझदी कि इन्हों तुरंत गिरफ़्तार करना चाहिए कि ये ना हो कि देश विरोधी गल्लां करके सिखा विरोधी गल्लां करके जां एक भाईचारे के खिलाफ़ गल्लां करके अज जे वह आज़ाद घूमेगी तो इन हालात खराब हो सकते हैं। मैं सरकार को बेनती करांगी कि तुरंत उन्हें गिरफ़्तार किया जाए ता जो किसी दी भावनावां ना भटक जाए कोई नुकसान ना हो जाए तो जो दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अज कदम चुकन वास्ते पहुंची है बॉम्बे असी बिल्कुल उन्हां दा सहयोग दे के उन्हां नाल चलांगे। तो इहो जी आवाज़ उठाउण वालियां बीबियां नूं मैं ताड़ना करदी हाँ कि सोच समझ के बोलो ये अणखी योधियां दे खिलाफ़ जे एक भी शब्द किसी ने बोलिया तो किसी को बर्दाश्त नहीं होना। सो मैं अपने सिखां दे उत्ते जिथे नाज कर सकदी हाँ जिथे माण कर सकदी हाँ उन्हां नूं ये शब्द कहना कभी अतवादी कहना कभी उन्हां नूं माड़े लफ्ज़ बोल के बेअदबी करनी मैं समझदी हाँ कि कभी भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिनी निंदा की जाए उन्नी थोड़ी है। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की मुख सेवादार होने के नाते जिते मैं निंदा करती हाँ सरकार ने भी कहनी है कि तुरंत गिरफ़्तारी पाई जाए ता जो माहौल जरा खराब ना हो सके। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह।